हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ओबेदान क्लासेस। मैं के बाद सौर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज जो क्लास 10 साइंस की है। तो क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 13 है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही खूबसूरत सा और बढ़िया चैप्टर है ये। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ी इंट्रोडक्टरी बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है और उसके बेस के ऊपर काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हिस्ट्री कि ये मैग्नेट की कहानी कहां से शुरू हुई एक्चुअली। तो सबसे पहले एक पत्थर था, लोडस्टोन, वो आपने शेफर्ड वाली कहानी तो सुनी होगी, मैग्नेशिया ग्रीस से। एक शेफर्ड था, उसका नाम था मैग्नस, और वो अपने कैटल्स को ग्रेस कराने के लिए लेके गया था। तो वहां पे उसका जो रॉड था, आयरन रॉड और नेल्स, इट वाज गेट अट्रैक्टेड टू अ स्टोन, वो एक पत्थर से जाके चिपक गया, अट्रैक्ट हुआ उसको। दैट स्टोन वाज एक्चुअली कॉल्ड एज लोडस्टोन। तो लोडस्टोन क्या है? वो एक नेचुरल सब्सटेंस है। लोडस्टोन इज एक्चुअली द नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। फिर इट कैन अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, उसने आयरन को अट्रैक्ट किया था, आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है ये पत्थर, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज नोन एज मैग्नेटाइट ऑर, वो क्या है? मैग्नेटाइट का ऑर है, दैट इज एक्चुअली द ऑक्साइड ऑफ आयरन। इफ यू नो फॉर्मूला Fe3O4, दिस इज एक्चुअली द ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो ये सारी बातें हैं लोडस्टोन के रिलेटेड। हमें अभी स्टोरी नहीं लिखनी है क्योंकि स्टोरी हमें पता है, पढ़ चुके हैं, और उससे ऐसा कुछ सवाल ज्यादा नहीं पूछते। बट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्योंकि स्टार्ट करना जरूरी है चैप्टर को, और बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इट वॉज फाउंड इन द इट वॉज फाउंड एट मैग्नेशिया विच इज इन ग्रीस, तो वहां से मिला था, वहां से भी बोल उसका नाम आया मैग्नेटाइट, मैग्नेशिया। तो एट प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट दिस मैग्नेशिया, मैग्नेशिया इज लोकेटेड एट वेस्ट ऑफ प्रेजेंट डे टर्की, टर्की है उसके वेस्ट डायरेक्शन में अभी मैग्नेशिया लोकेटेड है, जहां पे पहली बार जो मैग्नेट का कंसेप्ट है लोडस्टोन मिला था, वो वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कुछ और बेसिक सी चीजें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेट से कि मैग्नेट किसे बोलेंगे, व्हाट इज मैग्नेट एक्चुअली, ठीक है। तो मैग्नेट का डेफिनेशन क्या होगा? एनी सब्सटेंस irrespective of its shape and size, which can attract a substance like, you can say, iron, cobalt, nickel, और ऐसे सब मेटालिक एलिमेंट, उसको अट्रैक्ट कर सके, इज नोन एज मैग्नेट। तो ऐसे सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स, तो मैग्नेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं, ठीक है। या फिर एक और पॉइंट लिख लो, मैग्नेट consists of two poles, ठीक है, one is north pole and other is south pole, north pole and south pole, ठीक है। तो ये magnets के basic से details, कुछ examples यहाँ पे लिख लेते हैं। So examples में you can say bar magnet, जो rectangular shape
या फिर रॉड शेप का होता है ऐसे बोल लो, विच इज कॉल्ड बार मैग्नेट, ठीक है, फिर हॉर्सशू मैग्नेट जिसका शेप कैसा रहता है, यू शेप, देखा होगा आपने, यू शेप मैग्नेट, ठीक है, फिर मैग्नेटिक नीडल जो कंपास में यूज करते हैं, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, जिसका यूज कंपास में होता है, ऐसे नीडल टाइप होती है। तो ये हो गए बेसिक से डिटेल्स मैग्नेट के रिलेटेड, जल्दी से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट की जो भी सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो देखते हैं सबसे पहले। तो बार मैग्नेट कैसा होता है, ऐसा होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, या फिर पूरा लिखते हैं, व्हेन बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, देन इट विल अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। बार मैग्नेट को ऐसे लटका दो, व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट विल अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, पर जो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रहेगी उस डायरेक्शन में वो आके स्टेबल हो जाएगा कुछ, ठीक है। ऐसे फ्रीली सस्पेंड करो कुछ मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहने दो, देन इट विल अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज टू पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नेवर बी आइसोलेटेड। वी कैन नॉट सेपरेट द टू पोल्स ऑफ बार मैग्नेट। हम बार मैग्नेट के जो दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसको ऐसे अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोच सकते हम कि मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बीच से मैग्नेट को ऐसे हमने कट कर दिया, तो ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये नॉर्थ पोल हमने अलग कर दिया साउथ पोल से। इट विल क्रिएट देयर न्यू पोल्स, ठीक है, वो अपने खुद के नए पोल जनरेट कर लेगा। अगर इसको तोड़ दो तो हम ऐसा नहीं सोच सकते ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे इसको अलग कर दो तो ये वापस से अपने नए पोल्स बना ले, ठीक है। जितनी बार मैग्नेट को तोड़ोगे वो अपने खुद के एक नए पोल्स जनरेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है, ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये बार मैग्नेट की। टू पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नेवर बी आइसोलेटेड। आप बार मैग्नेट का जो दो पोल्स है उसको कभी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट राइट द थर्ड प्रॉपर्टी हियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, बहुत बेसिक है, आसान प्रॉपर्टी है। राइट पोल्स दैट इज नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ दे विल रिपेल इच अदर, और अनलाइक पोल्स दैट इज नॉर्थ साउथ दे विल अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। कॉमन सी चीज है ये, तो नॉर्थ नॉर्थ रहा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये नॉर्थ है ये साउथ, तो दिस टू विल रिपेल इच अदर, ठीक है। इस केस में अगर ऐसा हो साउथ तो भी वो क्या होंगे, रिपेल होंगे इस तरह, दे विल रिपेल इच अदर, और अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये साउथ ये नॉर्थ, देन दे विल कम क्लोज टू इच अदर एंड गेट अट्रैक्टिव, ठीक है। सो ये अभी तीन प्रॉपर्टीज देखिए,
दो और प्रॉपर्टीज है बाद में देखते हैं, बट उसके पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में कॉपी कर लो अपने नोटबुक। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज वेरी सिंपल, नॉट ऑल मटेरियल्स विल गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जो चीज है, हर एक जो मटेरियल है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा, तो ऐसे कई मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। देन लेट्स चेक द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन। सो मैग्नेटिक इंडक्शन ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, व्हेन एनी सब्सटेंस यू कैन से लाइक आयरन, सॉफ्ट आयरन, स्टील एक्सेट्रा प्लेस्ड नियर टू बार मैग्नेट, दे आर प्लेस्ड नियर टू बार मैग्नेट, यानी यू कैन से कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अंदर, एंड प्लेस्ड नियर टू बार मैग्नेट, देन दे विल गेट मैग्नेटाइज्ड। दे विल गेट मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या है कि वो खुद मैग्नेट बन जाएंगे, मैग्नेट का जैसा बिहेवियर हो जाएगा उसका, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इंड्यूस करना यानी प्रोड्यूस करना, बनाना। ठीक है, इंड्यूस कर, इट इज इंड्यूस विच मीन्स टू प्रोड्यूस या जनरेट। ठीक है, जनरेट होना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है उसके अंदर जनरेट हो गए, आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, स्टील है उसके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मान लो कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, क्योंकि हम बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो एक बार मैग्नेट है, उसके नियर एक आयरन का नीडल रखा हमने। ठीक है, तो दिस विल बी एज साउथ पोल, दिस विल बी एज नॉर्थ पोल। फिर क्या होगा कि दूसरा कोई एक आयरन का नीडल रखोगे तो वो इससे चिपक जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा अगेन। ठीक है, तो देखो ये खुद क्या है, ये मैग्नेटाइज हो गया, ये अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, इट हैव अटेंड इट्स ओन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है ये? तो ये पांच प्रॉपर्टीज रहती है बार मैग्नेट की। फिर आगे देखते हैं कुछ और चीज है, आईएमपी पॉइंट्स लगा लो। पहला है वो नेचुरल मैग्नेट, सो नेचुरल मैग्नेट कौन से, हमने अभी लिखा था लोडस्टोन। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट में हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट क्या बना सकते हैं उसका, कि द मिनरल और अकरिंग नेचुरली हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो नेचुरली जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको हम नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। दे आर लीस्ट यूज्ड नाउडेज ड्यू टू देयर यू कैन से इरेगुलर शेप होता है इसके लिए, एंड वीक अट्रैक्टिंग पावर। उसका जो अट्रैक्टिंग पावर रहता है वो भी वीक रहता है, इसलिए वो ज्यादातर यूज नहीं करते। एग्जाम्पल लिख लो इसके, देखिए तो है लोडस्टोन। ठीक है, फिर हम सेकेंड पॉइंट बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट।
अगर देखो नेचुरल मैग्नेट है वो यूज नहीं हो रहे, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट यू कैन से अ पीस ऑफ आयरन और एनी सच सब्सटेंस हैविंग पर्टिक्युलर शेप एंड साइज यू कैन से इज मैग्नेटाइज्ड बाय पासिंग अ करंट थ्रू वायर बाउंड अराउंड देम। तो कोई भी ऐसा मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा, इसका ये पॉइंट है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम बनाते कैसे, कि एक पर्टिकुलर पीस है उसके ऊपर वायर लपेट दो ऐसे और उसमें से करंट पास करो। करंट पास करोगे, चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा कि ये जो मटेरियल जिसके ऊपर आपने वायर लपेटा है, ठीक है, तो वो मटेरियल है वो खुद मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो खुद मैग्नेट बन रहा है, तो ऐसे हम मैग्नेट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर ऐसे कोई सब्सटेंस रख दिया आपने, विचार द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो आगे पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है। तो ऐसे जो मैग्नेट्स बनते हैं वो हम बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट मैग्नेट्स पे। तो टाइप में लिख रहा हूँ, हैशटैग लगा दे रहा, हैशटैग बहुत फेमस होता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है हैशटैग से। परमानेंट मैग्नेट हैशटैग लगा। तो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं, इसमें जो मटेरियल्स रहते हैं, मटेरियल्स क्या होंगे, कैन से आयरन स्टील, देन कार्बन स्टील, देन यू कैन से क्रोमियम स्टील। इसको हटा दो, क्रोमियम स्टील, फिर कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, देन एल्निको जो अलॉय है, अलॉय ऑफ एफपी, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। ये जो मटेरियल्स है अगर इसको मैग्नेटाइज करोगे आप, तो ये बहुत ही लंबे समय तक वो मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर रखता है, ठीक है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग मैग्नेटाइज इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो वो काफी समय तक अपने अंदर जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो रिटेन करता है। सो वंस दे आर मैग्नेटाइज्ड दे रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय तक वो क्या होता है अपने मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके रखते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। बिकॉज दे एक्चुअली बिहेव लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, वो मैग्नेट बन गए होते हैं खुद और काफी समय तक, लंबे समय तक वो अपने मैग्नेटाइजेशन है वो लूज नहीं करते। सो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे काफी यूज होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में। तो उस जगह पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन का काफी यूज करते हैं और मैग्नेट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियर, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, परमानेंट मैग्नेट किसे बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट किस सब्सटेंस से बनते हैं, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में बड़े अच्छे से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और थ्री डायमेंशनल रीजन, और थ्री डायमेंशनल रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेर अदर मैग्नेट, अदर मैग्नेट या फिर मटेरियल बोल लो,
गेट्स अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि उसके ऊपर आइदर अट्रैक्शन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग सकता है, ठीक है? तो वो जो रीजन है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वेन अदर मैग्नेट और मटेरियल गेट्स अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? या तो फिर यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अ थ्री डायमेंशनल रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? इन शॉर्ट इतना हो गया। तो यहां से अगर ये लाइन आपको नहीं लिखनी तो ये सिंपल लिख दो कि ऐसा रीजन के जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है? इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है? इट इज एन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? क्योंकि यू कैन से कि अगर हमारे पास मान लो कि एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के सराउंडिंग में ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो दिखती नहीं है, ठीक है? वी कैन नॉट सी दैट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें अगर बताना है, अगर हमारे स्टडी अभी देखो हम पढ़ रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा है, वो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो उसको जानने के लिए हम जो डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो एक्चुअली वो दिखता नहीं है, बट उसको दिखाने के लिए, उसको पेपर में शो करने के लिए हम जो लाइंस बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट। ये क्या है? पूरा इमेजिनरी है, जैसे मैंने बताया कि वो हम देख नहीं सकते, इट इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट, ठीक है? हम मान लेते हैं, बट ऐसे ही नहीं मान लिया, हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये सारी चीजें बताई। चलिए तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट देखा था, ठीक है? सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में हम एक कंसिडर कर लेते हैं बार मैग्नेट। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स MFL ऑफ बार मैग्नेट कैसा रहता है? बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो कि ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, तो ऐसे होगा वो। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा रहता है, ठीक है? वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में अंदर जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में अंदर जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में अंदर जाता है, ठीक है? तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता है वो ऐसा होता है, ठीक है? इट इज इन दिस मैनर, क्लियर है? इनसाइड यू कैन से इसको अगर जोड़ दो आप पूरा, तो इनसाइड इट इज लाइक साउथ टू नॉर्थ, ठीक है? सो बाद में हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें नोट करेंगे, बट अभी लिख देता हूं, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ रहता है, इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है? ये काफी बार पूछता है ऐसा सवाल। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट आप स्क्रीन के ऊपर देख लो कि हॉर्सशू शेप मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है? जैसा आप देख सकते हो। देन अभी प्रॉपर्टीज कुछ हमने पढ़ी थी, उसके एनालिसिस देखते हैं, ठीक है? लाइक पोल्स आर नेवर आइसोलेटेड, पोल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो वो कैसे होता है एक्चुअली, चलिए उसका फील लेते हैं। मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है,
तो अभी देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा होगा नॉर्थ से साउथ, और अंदर ऐसे आ रहा होगा साउथ से नॉर्थ। ठीक है, अभी इसको तोड़ दिया बीच से, तो क्या होगा, ये जो दो पार्ट है वो जब एकदम करीब रहेंगे दो, ठीक है, ये नॉर्थ है उसका, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तभी तो बनी होगी उसकी ऐसे। ठीक है, अभी जस्ट हमने तोड़ा ही है मैग्नेट को, तो ये तो नॉर्थ से साउथ जा रहा था, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर, वो यहाँ पे इन बिटवीन, इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। तो अभी क्या होगा, व्हेन दे आर सेपरेटेड अपार्ट, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि इसको दूर भेज दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे आके खत्म होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले रहा है, तो ये साउथ पोल बन गया, देखो अपने आप पोल जनरेट होगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर फेंक रहा है, तो ये नॉर्थ पोल बन गया, और ये अंदर दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, तो ये साउथ पोल बन। तो ऐसे मैग्नेटिक पोल्स दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बनाओगे तब आइडिया आ जाएगा कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर वो अट्रैक्शन रिपल्शन का भी देखा था हमने, तो डाइट पोल्स रिपेल, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, चलो समझते हैं उसको। मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये दोनों लाइक पोल्स है। ठीक है, लाइक पोल्स है तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, तो रिपेल के लिए इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएंगे, ठीक है, ऐसे, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से बाहर आएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे रिपल करेंगे, तो कहीं पे जाके वो मिलेंगे नहीं है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे, रिपल कर रहे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम होगा वो ऐसे बनेगा, बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकाल दो, अगर अनलाइक पोल्स रहा, इन द केस ऑफ अनलाइक पोल्स दैट इज अट्रैक्शन, तो तभी उसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पे मान लो कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालता है, ये मैग्नेटिक फील्ड छोड़ता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ता है साउथ पोल, देख सकते हो आप डायग्राम में, तो ये क्या करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसे दे देगा, इट्स बीन लाइक दिस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रहा है वो ये पकड़ रहा है, तो दे विल गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये अनलाइक पोल्स का डायग्राम हो गया, अट्रैक्शन का, ये रिपल्शन का डायग्राम हो गया, पोल्स आइसोलेट कैसे नहीं होते वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे मैंने क्लियर किया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी में लिख लो, ये बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 मैं खत्म करता हूँ, जो मैंने बोला था पहले की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, काफी बढ़िया और खूबसूरत टॉपिक है वो, जिसमें से सवाल भी पूछते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।